और टेलीविजन इंजीनियरिंग में देखा जाए, रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन और टेलीविजन इंजीनियरिंग में देखा जाए, तो देखो रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में कैसे इसको डिफाइन करना है। रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में ओवरऑल अगर ए टू जेड पॉइंट को देखा जाए तो बहुत कुछ है। जैसे क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप बी में चार नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, छह नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको कैसे अलग अलग करना है, ओवरऑल देखोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इसको हमको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सिक्स सेमेस्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सिक्स सेमेस्टर कर रहे हैं, जब थर्ड सेमेस्टर में आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक पढ़ाया गया होगा एल्गोरिदम। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी हमारा प्रॉब्लम रहता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हर एक को सॉल्यूशन करते हैं। सेम टू सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है, टेलीविजन रेडियो और मतलब की रेडियो और टेलीविजन इंजीनियरिंग में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम पे होते हैं, और ब्लॉक डायग्राम के बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं, कुछ कंपेरिजन लिखने के लिए आते हैं, ये सारा क्वेश्चन बनता है। चार नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो कि आपका फॉर्मूला बेस पे होता है, छह नंबर में जो भी न्यूमेरिकल आता है आपका क्या होता है, फॉर्मूला बेस पे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम वाले क्वेश्चन को, तो ऐसे करके आप अलग अलग कर लोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे डायग्राम से रिलेटेड ट्रांसमीटर रिसीवर, टीवी ट्रांसमीटर टीवी रिसीवर, रेडियो टीवी दोनों में चल रहा है, टीवी ट्रांसमीटर टीवी रिसीवर, ब्लॉक डायग्राम में सीसीटीवी का ब्लॉक डायग्राम हो गया, रिमोट कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम हो गया, फिर आपका केबल टीवी का ब्लॉक डायग्राम हो गया, बूस्टर एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये सारा हो गया। टेलीविजन वाला में देखिएगा तो आपका रडार से आ जाए तो रडार का, रडार में टाइप ऑफ रडार में एमटीआई पीपीआई, फिर आपका कंटिन्यूअस वेव रडार वगैरह, ये सब कितने सारे रडार वाले में ब्लॉक डायग्राम हो जा रहा है। सेटेलाइट वाले में आएगा तो सेटेलाइट का ब्लॉक डायग्राम, बेसिक एलिमेंट ऑफ रडार का ब्लॉक डायग्राम, बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, ये सारा जितना भी ब्लॉक डायग्राम वाला है ना उसको कंप्लीट करके रखिए। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक डायग्राम से जब भी क्वेश्चन आता है तो छह नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और छह नंबर में क्वेश्चन का मतलब अगर आपको ब्लॉक डायग्राम सही सही आ रहा है तो आपको तीन नंबर तो वो दिला देगा। जैसे मान लिया जाए छह नंबर में टीवी ट्रांसमीटर का आया, टीवी ट्रांसमीटर का आपका अगर आया तो यहां से देखिए तीन नंबर आपको इसके एक्सप्लेनेशन पे मिलेंगे और तीन नंबर इसके ब्लॉक डायग्राम पे मिलेंगे। अगर आप ब्लॉक डायग्राम सही सही आप बनाते हो तीन नंबर तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, और तीन नंबर उसके ब्लॉक डायग्राम का हर एक एलिमेंट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखना, बस एक लाइन मेन मेन पॉइंट उसी को सिर्फ आप लिखे ना, बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारा ब्लॉक डायग्राम में एलिमेंट होता है, टीवी ट्रांसमीटर रिसीवर में बहुत सारा एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के बारे में आप दो दो लाइन एक एक लाइन नहीं लिख सकते, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुछ भी बताया बस उसी को लिखना, ज्यादा डिस्कस उतना नहीं करना, मेन पॉइंट को लिखिए आगे बढ़िए, लिखिए आगे बढ़िए बस। आपको अगर लगता है कि हम इसमें कुछ ज्यादा लिख सकते हैं तो लिखिए, लिखने के लिए आपको पूरा है कितना कुछ, लेकिन आप इसके अरेंजमेंट में कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक डायग्राम वाले वाले क्वेश्चन टीवी रेडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रखते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमेशा से हम कहते हैं कि जो आपका रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में आप लोग देखेगा तो प्रीवियस ईयर में मतलब की पिछले सेमेस्टर में जो आप लोग फोर्थ सेम में बेसिक कम्युनिकेशन एफ एम एम का न्यूमेरिकल है जो कि आपका भीके मेहता में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन में दिया हुआ है, वो आपका पीछा सिक्स सेमेस्टर तक नहीं छोड़ने वाला है, तो उसको आज ही क्यों नहीं अच्छे से पढ़ लेते हैं, इतना अच्छे से बताया हुआ है तो उसको इतना रिविजन कर लीजिए, उससे बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको नहीं छूटे, और वो हमेशा छह नंबर में आपको देखने को मिलता है। फिर आपको न्यूमेरिकल कहां से आएगा, रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में, तो रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में जो आपका रडार रेंज है, रडार रेंज का है जो आपका एलओएस वाला टेक्निक है, लाइन ऑफ साइट में देखिएगा एक रेंज का फॉर्मूला है एच टी करके और एच आर करके, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना और हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसपे एक प्रूफ करने के लिए भी आता है 4.13 करके और 3.75 करके, एक आता ना इक्वेशन प्रूफ करने के लिए रेंज वाला इक्वेशन, वहां से एक न्यूमेरिकल भी पूछ देगा। तो किसी एक का हाइट दिया हुआ रहता है, फीट में दिया हुआ रहेगा, मीटर में दिया हुआ रहेगा, अगर फीट में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद उसको बनाना है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको बनाइए। तो ये यहां से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है।
फिर आपको यहां से न्यूमेरिकल कहां से आएगा, तो न्यूमेरिकल आपको इसमें बनता है इमेज वाला फ्रीक्वेंसी से, आईएफ वाला। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपर हेटरोडाइन एएम रिसीवर, सुपर हेटरोडाइन एफएम रिसीवर, तो उसमें हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी बराबर पढ़ा था कि नहीं, आईएफ सिग्नल। तो वहां से एक क्वेश्चन बनता है, वहां से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है जो इमेज फ्रीक्वेंसी से जो आपको बताए थे एफएस प्लस टू आईएफ करके होता है फॉर्मूला, उस पे बेस्ड पूछ लिया जाता है। तो वो वाला और चार नंबर में पूछेगा आपको क्वेश्चन, फिर और जितना भी क्या पूछेगा। तो और मेन पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट जैसे कोई आ जाएगा, मान लिया जाए चार नंबर में टेलीविजन में क्या क्वेश्चन आता है, तो लिखने के लिए आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ सीसीटीवी, क्वेश्चन आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ रडार, क्वेश्चन आ जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सारा क्या है, वीवीआई पॉइंट्स है। तो इसको वीवीआई पॉइंट्स चार पांच पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि हम लोग कुछ नहीं, जो आस पास में देख रहे हैं वो सारा कुछ है, सीसीटीवी का एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं, इन क्लासरूम, इन स्कूल कॉलेज, सेफ्टी पर्पस है, निगरानी रखने के लिए, सर्विलांस रखने के लिए, देखिए आपका ट्रैफिक कंट्रोल में यूज हो रहा है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बहुत जगह पे हम लोग सीसीटीवी का यूज कर रहे हैं। उसी तरह से रडार का एप्लीकेशन हो गया, ये सारा बेसिक एलिमेंट ऑफ रडार हो गया। रडार का मेन टॉपिक क्या होता है, तो डुप्लेक्सर आ जाता है चार नंबर में। तो ये सब जो है वीवीआई है, जो कुछ भी आप लोग को सारा कुछ बताया हुआ है, आप लोग को यहाँ बताया हुआ है, और जो YouTube पे पढ़ रहे हैं YouTube पे भी हर एक सेक्शन का आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग, ये क्लास आज के बाद बंद होने वाला है, तो आप लोग को रिवीजन कहां से करना है, तो YouTube से ही आप लोग को रिवीजन करना है, YouTube पे जाना है। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मोस्टली अगर आप लोग देखोगे तो टीवी और रेडियो का ए टू जेड टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज वीवीआई, हर एक यूनिट का वीवीआई ही सिर्फ उसमें बताया हुआ है, और वही क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है, जितना भी बताया गया उसको कंप्लीट कर लेना है। फिर आ जाइए, जितना भी देखिए कोई भी टॉपिक, जैसे सर ने बताया कि कोई भी अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है उसको हम दो पेज में लिखते हैं, तो उसके बाद नीचे में की पॉइंट जरूर बनाइए, जो कि बताया गया स्टार लगा के एकदम बनाइए वीवीआई पॉइंट। और उसमें जैसे हम मान लीजिए रेडियो रिसीवर के बारे में आ गया लिखने के लिए, एफएम एम रेडियो रिसीवर होता है, तो उसमें से आ गया, तो एफएम वाले के लिए आ गया, तो एफएम वाले में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने मेनली रूप से जो हमारा डीमोडुलेटर है वो किस टाइप का डीमोडुलेटर यूज किया, तो फेज डीमोडुलेटर या फिर फ्रीक्वेंसी डीमोडुलेटर। फिर इसमें हम लोगों ने आईएफ सिग्नल जो निकाले एफएम के लिए, तो उसका कितना वैल्यू होता है, 10.7 होता है। इस तरह से क्या हो गया, वीवीआई पॉइंट हो गया, रेडियो रिसीवर का वीवीआई, एफएम रेडियो रिसीवर का रेंज कितना होता है, तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, ये सब क्या हो गया, की पॉइंट हो गया। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, फिर नीचे लिख सकते हैं एक पॉइंट, ये जो आपका रेडियो रिसीवर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सुपर हेटरोडाइन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये सारा आप लिख सकते हो, तो ये सारा हो गया। तो जब भी थ्योरी लिखो तो उसका की पॉइंट नीचे स्टार लगा के दो तीन पॉइंट जो कुछ भी आपको आता है वो जरूर लिखो। वो क्या है ना कि आपका डबल कर देता है, कहने का मतलब अगर वो थ्योरी देख करके दो पेज देख करके अगर वो माइंड में सेटअप किया होगा कि अगर ये चार नंबर का है तो इसको हम तीन नंबर देंगे, एट लास्ट में अगर तीन पॉइंट आप दे देते हो तो वो तीन नंबर की जगह आपको चार नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। मान लिया यही क्वेश्चन छह नंबर में आएगा तो वो देखा थ्योरी है उसको माइंड में कर रहा है कि ये तो कहानी लिख दिया है इसको हम चार नंबर देके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लास्ट में उसको दो तीन पॉइंट मिल जाएगा देखने को, ये चार नंबर तुरंत आपका सिक्स नंबर में इंक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है हम लोग को पेपर में क्या करना है, हमको पेपर को कुछ इस तरह से लिखना है कि अगर वो शुरू में देख करके माइंड बनाए हमको नंबर कम देने का, लेकिन लास्ट में देखते देखते वो अपना माइंड कन्वर्ट कर दे, तो इसको कहते हैं माइंड को कन्वर्ट करना। अब उस पेपर जो चेक करने वाला है उसको आप कैसे कन्विंस करते हो, ये आपके आंसर में होना चाहिए। जैसे उसका हम पेपर जब चेक कर रहे थे तो देख रहे हैं कि शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर लास्ट में देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये तोड़ मरोड़ करके उसका आंसर कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ला के लास्ट में डाल दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसी में आपका शुरू में सोचे कुछ और लास्ट में हमको चेंज करना पड़ा, तो ये होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारी बातें आपके अंदर है, सिर्फ उसको लाना है। वो कैसे आएगा, तो जब आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब ये आपको अंदर से खुद आइडिया होने लगेगा, आपको अपने आप में खुद लगने लगेगा कि हाँ आप इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ देगा हम उसका जवाब अच्छे से दे देंगे। तो यही है,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही है, ये मैथ है, मैथमेटिकल में ये होता है कि मैथ को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार बनाओगे, उतना ज्यादा आपको सटीक हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं, जितना कुछ बताया गया बस उसी को फॉलो करना है। अब बस यही काम है उसको बार 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 आपको रिवीजन करना है। अब कुछ नया सीखने का जरूरत नहीं है, जो सीख चुके हैं उसी को रिवीजन करना है। जो कुछ भी पूछा है रिवीजन, हम पहले भी बोलते हैं आज भी बोलते हैं कि आपको एग्जाम में क्या आएगा तो वही आपका प्रीवियस ईयर वाला ही उठा के आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम ये नहीं जानते कि एग्जाम में क्या आने वाला है, पर इतना जरूर जानते हैं कि जो भी आएगा वो प्रीवियस ईयर से आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव टू ईयर का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए, उसको अगर आप सोल्व करते हैं, जैसे 2016 का सोल्व करिए, 2017 का सोल्व किए, या फिर 2017 या 18 का सोल्व किए, या फिर 18 या 19 का सोल्व किए, तो ये दो सक्सेसिव कोई भी ईयर का कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, वो ओवरऑल आपका क्या कर देगा, सिलेबस कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करके आपको क्या करना है, सारा कंप्लीट कर लेना है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं आप लोग को बताया गया, उसी अनुसार आप लोग कंप्लीट करते रहिए। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हैं, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वो सब बताइएगा, उसके अनुसार आप लोग को आखिर लास्ट के एग्जाम तक भी आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी तो मेहनत आप लोग को ही करना है और ये मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है।